Welcome to this event. मैं बहुत मशहूर हूँ कि मीडिया के दोस्त जर्नलिस्ट ने टाइम निकाला अपने कीमती वक्त से और इस इवेंट पे आए हैं एंड वी ग्रेटली अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन एंड प्रेजेंस हियर. Whether we failed to achieve its Millennium Development Goal, जो 2000 से लेकर 2015 तक के माइलस्टोन थे, तो therefore Pakistan definitely needed a better partnership across the board. Development sector के साथ मीडिया एंगेज है, लेकिन जिस लेवल पे एंगेज होना चाहिए सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उसमें हम जो इश्यूज़ हैं उसको भी हाईलाइट करें और जो आइडियाज़ हैं वो भी आप शेयर करें फॉर द बेटर प्लानेट. कॉन्स्टेंट एक प्रेशर होता है, हर गवर्नमेंट के साथ एक हड्डा सा रहता है कि उनका ये ख्याल होता है वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड यू आर नॉट प्रमोटिंग द पॉजिटिव एंड डेवलपमेंटल थिंग एंड यू आर टेकिंग द नेगेटिव लीड्स. दैट इज द न्यूज. हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटी है या गवर्नेंस के प्रॉब्लम है, देर आर स्टेक होल्डर्स हू रन दिस शो. देर आर जेन्युइन प्लेयर्स, लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट प्लेयर्स हू वांट टू कीप द सोसाइटी द वे इट इज. बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हो सकती हैं सिर्फ आप हमें स्लोगन दें, स्टोरीज दें, अपने काम को कॉन्टैक्ट में हमारे लेके आए, हमारे साथ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ना हो. ये इशूज़ हमारे अपने इशूज़ हैं. इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए जिन दबाव में हम काम करते हैं कि हम इनइक्वालिटी को ज़्यादा बढ़ाएं नहीं और सब अच्छा दिखाएं, ये उस वक्त कम हो सकते हैं जब आपकी कैंपेन्स भी अच्छी होती हैं और आपका ऑन ग्राउंड काम जो है वो ट्रांसलेट होता है अच्छे केस स्टडीज में, स्टोरीज में. ब्रिंग अस दैट एंड इट विल बी अ वेरी गुड पार्टनरशिप. कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग में बैठ जाती है उसके लिए कंसिस्टेंसी होना जरूरी है. सिर्फ एक चैनल पे एक इशू उठा के एक खातून की या बच्चे की स्टोरी चला के आप वो इम्पैक्ट नहीं लेकर आ सकते. वी हैव टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू द I'm sorry, I would just use the word that are being used over here. Boring details too. They might be boring to you because you can't relate to them. Those are the ins and outs of a person who's underprivileged life. Definitely, be knocking on your doors with stories, with ideas, and opportunities for you and your teams to go and visit these communities, these Pakistanis who are struggling on a daily basis. It's always useful and helpful to receive that kind of information and critique, because for different audiences we need to be better prepared, better understand, and more engaged here. So thank you so much for that.